जियो एयर फाइबर। काफी दिनों से न्यूज़ेस में लगातार आपको सुनने को मिल रहा है कि जियो अपनी एक नई टेक्नोलॉजी लॉन्च करने वाला है मार्केट में, जिसका नाम है जियो एयर फाइबर। हमने जियो का फाइबर कनेक्शन तो पहले बहुत देखा हुआ है, इवन मैं उसको यूज भी करता हूँ और मैं उससे काफी ज्यादा संतुष्ट भी हूँ। बट कोई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आती है तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि भाई ये टेक्नोलॉजी है क्या और ये काम कैसे करती है और ये हमें या फिर समाज को बेनिफिट कैसे पहुंचाएगी। तो आज के वीडियो में यही सारी जानकारियां लेकर आ गया है आपका अपना टेक क्लोनिक। जियो एयर फाइबर, अगर आपको इसकी वर्किंग समझनी है तो इससे पहले आपको समझना होगा कि जियो फाइबर कैसे काम करता है, जो कि हम लोगों के घरों में ऑलरेडी लगा हुआ है। अब जियो फाइबर में, जियो तो हो गया कंपनी का नाम, उसके बाद बचा फाइबर। अब फाइबर से हमें क्या समझ में आता है, एक टेक्नोलॉजी जिसका नाम है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी में एक वायर होता है और वायर के अंदर बहुत ही पतला एक ग्लास का पाइप होता है। ये ग्लास का जो पाइप होता है वो इतना पतला होता है कि हम इसे फाइबर के नाम से जानते हैं। यही कारण है कि ये जो टेक्नोलॉजी है इसको हम ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। अब इसमें होता यह है कि जब भी हम डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं तो ये डेटा इस ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पे काम करता है और स्पीड ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश की गति से ये डेटा को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाता है, जिससे हमें एक बहुत ही हाई स्पीड इंटरनेट की उपलब्धता हो पाती है और हम बहुत तेज वाली स्पीड को एंजॉय कर पाते हैं। अब ये जो वायर के अंदर ग्लास का जो पाइप है यानी जो फाइबर लगा हुआ है, इस फाइबर को पहुंचाने के लिए हमें पूरे शहर में एक ये फाइबर वाली केबल को बिछाना पड़ता है और उस केबल के थ्रू आपके घरों में एक फाइबर लाइन आती है और उसी फाइबर लाइन के थ्रू आपको इंटरनेट की सुविधा दी जाती है। तो ये तो रहा फाइबर टेक्नोलॉजी और उसकी वर्किंग। अब बात करते हैं जियो एयर फाइबर टेक्नोलॉजी क्या है। जियो एयर फाइबर में एयर लिख के आता है यानी कि हवा। अब यहाँ पे क्या है कि जो इंटरनेट आपको उपलब्ध कराया जाएगा वो हवा के माध्यम से आने वाला है, यानी कि यहाँ पे आपको किसी भी तरह का कोई भी केबल कनेक्शन देखने को नहीं मिलता है जिसके अंदर फाइबर लाइंस लगी हो। तो ये तो सिद्ध है कि यहाँ पे फाइबर जैसा कुछ नहीं है, बट इसको फाइबर नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये फाइबर लाइक स्पीड आपको प्रोवाइड कराता है 5G की मदद से। जी हाँ दोस्तों, और 5G की मदद से स्पीड प्रोवाइड कराने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि 5G की जो स्पीड रेंज है वो 100 Mbps से लेके 20 Gbps तक होती है। अब आप अंदाजा लगाइए कि 100 Mbps अपने आप में ही बहुत तेज स्पीड है और 20 Gbps की तो बात ही मत करिए, वो तो बहुत ज्यादा ही तेज स्पीड हो जाती है। तो यहाँ पे जो जियो एयर फाइबर है इसमें फाइबर जैसा कुछ नहीं है। फाइबर का जो शब्द है वो सिर्फ इसलिए लगाया गया है क्योंकि इस पे जो आपको स्पीड मिलेगी वो फाइबर लाइक स्पीड होगी, यानी कि जो आप जियो का फाइबर अपने घरों पे यूज करते हो उसमें जो आपको अच्छी खासी स्पीड मिलती है, बहुत ज्यादा फास्ट स्पीड मिलती है, उसी टाइप की स्पीड आपको जियो एयर फाइबर के थ्रू भी मिलने वाली। अब बात करते हैं कि इसका बेनिफिट क्या होगा, यानी समाज पे या हमको डायरेक्ट इसका क्या बेनिफिट मिलने वाला है। देखिए फ्रेंड, जियो फाइबर जो था उसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन यही थी कि उसके लिए आपको पूरे शहर में, पूरे देश में, हर एक स्टेट में आपको फाइबर केबल दौड़ाने पड़ेंगे। अब आपको ही पता है कि हमारा भारत बहुत बड़ा है तो यहाँ पे जो केबल्स को दौड़ाने के जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हाई आती है और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी है। इन्हीं सबों को मतलब ख़त्म करने के लिए जियो ने जियो एयर फाइबर टेक्नोलॉजी लॉन्च की, जिसके थ्रू ये दूर दराज के आउटर एरियाज में, गाँव में, पहाड़ों पर, ऐसे जगहों पर भी फाइबर लाइक स्पीड प्रोवाइड करा पाएंगे जहाँ पे जियो फाइबर की कनेक्टिविटी आने वाले कई सालों तक शायद पहुँचाना बहुत मुश्किल हो। यही कारण है कि यहाँ पे सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो उन लोगों को मिलने वाला है जो जियो फाइबर की कनेक्टिविटी से अभी तक वंचित रह चुके थे, यानी कि जो अभी तक जियो फाइबर जिनके शहरों में या जिनके गांव में जियो फाइबर का कनेक्शन अभी तक नहीं पहुँचा था, वो लोग भी जियो फाइबर की स्पीड का अपने घर पे मजा ले सकते हैं, वो भी जियो एयर फाइबर टेक्नोलॉजी की मदद से। दूसरा बेनिफिट है कंपनीज के लिए, जो कि है उनका कस्टमर बेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे जैसे कि हम बात करते हैं जियो फाइबर टेक्नोलॉजी की, तो आपको पूरे के पूरे शहर में केबल्स को दौड़ाना पड़ेगा, ये सारे में कॉस्टिंग बहुत हाई होती है और साथ ही साथ समय भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है। बट जियो एयर फाइबर टेक्नोलॉजी में क्या है कि जो भी मोबाइल नेटवर्क्स जियो के लगाए गए हैं उन्हीं मोबाइल टावर्स को थोड़ा सा 5G मॉड्यूल से अपग्रेड किया जाएगा और अपग्रेड करने के साथ ही वो एरिया 5G के कवर में आने लगेगा, और जैसे ही वो एरिया 5G कवरेज में आना शुरू हो जाएगा
उस एरिया में अगर आप जियो एयर फाइबर को लगाते हो तो वहाँ पे आपको फाइबर लाइक स्पीड आपके घरों पे आराम से मिलना शुरू हो जाएगी। तो यानी कि कंपनीज के लिए बहुत ही कम खर्चे में आपको बहुत ही बेहतर सुविधा प्रोवाइड करा रही है और साथ ही साथ एक बहुत बड़ा कंज्यूमर बेस भी अपना तैयार कर रही है। आप इस बात का अंदाज़ा इसी से लगा सकते हो कि जियो फाइबर के दौरान जियो ने बताया था कि वो डेली बेसिस पे 15,000 कंज्यूमर्स को डेली बेसिस पे रीच करता है, नए कंज्यूमर्स को। बट जियो एयर फाइबर के थ्रू जो कि 19 तारीख को इसी महीने में यानी 19 सितंबर को लॉन्च होने वाला है, उसके बाद वो अपने टारगेट को 10 गुना बढ़ाने वाले हैं और डेली बेसिस पे उनका ऐसा मानना है कि वो लगभग 1.5 लाख लोगों तक पहुँचेंगे। तो आई थिंक ये एकदम बहुत ही एकदम टर्निंग पॉइंट होने वाला है। ये जो इंटरनेट का जो मार्केट है पूरा का पूरा, इसके अंदर बहुत ही शानदार मूव आने वाला है जियो की तरफ से। अगर 1.5 लाख लोग डेली बेसिस पे इसको रीच कर पाते हैं तो सोचिए कि उनके जीवन में, उनके डेली यूजेज में, उनके डेली के जीवन में उनकी क्रिएटिविटी, उनके एजुकेशन, उनके वर्क कल्चर, सारी चीज़ों में कितना ज़्यादा ह्यूज इम्पैक्ट आने वाला है। ये सारी चीज़ें तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। तो आई थिंक कि यही कारण है कि जियो अपना जियो फाइबर से एक स्टेप ऊपर जाकर जियो एयर फाइबर को ला रहा है मार्केट में। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि जियो एयर फाइबर क्या है, जियो फाइबर से किस तरीके से ये अलग है और इसको लॉन्च करने पे क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं समाज में और हमें आपको प्रस्ताव लेवल पे। तो बस आज की वीडियो में यही था। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में किसी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।